आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार ओखला पर कवरेज कर रहा है और आज मैं आपको ओखला वालों को लेकर आ रहा हूँ पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए कितनी बदली है लाइब्रेरी और इस लाइब्रेरी को बदलते हुए हमारे बच्चों ने देखा है। हमने कोशिश की, प्लाज्मा न्यूज ने कोशिश की, शिखर ने कोशिश की कि जो बेनिफिशियरी हैं, जिन बच्चों ने यहाँ से कुछ पाया है, उनको हम बैठा सके। तो मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि इनके फोटोग्राफ जरूर दिखाए जाए जो यहाँ के जिन्होंने यहाँ से कोचिंग की और बहुत बेहतर क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाई। और आप सबसे पहले लाइब्रेरी में जाओगे, देखिए वो बुक स्टॉल साइड्स में है, इधर साइड में बुक स्टॉल है और शिखर एनजीओ को जो अवार्ड्स पुलिस पब्लिक लाइब्रेरीज को मिला है वो साइड में, और इधर कहीं ना कहीं पूरा लैपटॉप का सिस्टम इधर बैठाया गया है। और क्लासेस जो होंगे वो देखिए, आप दो तरह के बोर्ड्स हैं, मॉडर्न बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, वाया कंप्यूटर्स पढ़ाया जाएगा इस साइड में भी। अनम भी हमारे साथ कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं अनम से भी अनम आप इधर आइए, मैं अनम से भी बातचीत करूँगा, फिर कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत करूँगा। अनम क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से सारे डेवलपर, क्योंकि आपने मैं देखा आप लगातार एक हफ्ते से आप लाइब्रेरी के अंदर थी, लगातार काम कर रही थी। हाँ सना आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए सना आ जाइए। अब बताइए लाइब्रेरी के बारे में सारी चीज़ें, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, कब खुलेगी, क्या टाइमिंग होगा, कौन कोऑर्डिनेट करेगा इसके बारे में। हम लोगों ने दो कोऑर्डिनेटर हायर करी है यहाँ के लिए, वो पूरा मेंटेन करेंगी कोऑर्डिनेटर्स हमारे, सारा ऑनलाइन रहेगा। सर बात रही बुक्स वगैरह कंटेंट्स वगैरह की, वो हमारी सना मैम करेंगी। हाँ सना बताइए किस तरह के बुक्स ऑफ कलेक्शंस आपने किया है सारे। हमने यहाँ बेसिकली, थैंक यू वेरी मच सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी हियर, एंड हमने यहाँ पर जो कलेक्शन डेवलप किया है स्पेशली हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बुक्स यूज़ होते हैं बच्चों के लिए, हमने उसका एक कलेक्शन रखा है, प्लस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रखा है बच्चों के लिए जहाँ पर हम ई सब्सक्रिप्शंस, ई जर्नल्स वगैरह उनके लिए प्रोवाइड करेंगे। प्लस हमने और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए रखी हैं जो यहाँ पर आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स यहाँ से प्रोवाइड हम लोग कराएंगे उनको, जो उनके लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। सर हमने स्लम एरिया के लिए, स्लम एरिया या फिर जो बच्चे जो यहाँ पर आके नहीं पढ़ सकते, हम लोगों ने उन लोगों के लिए हम लोगों ने आगे फ्यूचर प्लान किया है कि वो लोग ऑनलाइन पढ़ सकें। जो यहाँ पे क्लास होगी ऑनलाइन एंड कंटेन में चलेगी, वो क्लास बच्चे ऑनलाइन वहाँ पे पढ़ सकेंगे। हम लोगों की अभी फ्यूचर प्लानिंग यही है। और एक हम लोग न्यू कोचिंग स्टार्ट करेंगे एनडीए की कोचिंग। बहुत अच्छी खबर है ओखला वालों के लिए, एनडीए की कोचिंग शिखर पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में। हमारे साथ अर्शी सैफी, अर्शी आप आइए। अर्शी इस लाइब्रेरी की आप कुछ याद है पीछे की और आज? सर ये तो मेरे लिए एकदम इतना नया सा लग रहा है, सब कुछ लग ही नहीं रहा है कि ये पुरानी वाली पब्लिक लाइब्रेरी है। सब कुछ नया है, यहाँ की बुक्स, सारी चेयर्स, इवन नया पत्थर लग गया है यहाँ पे सारी टाइल्स। और ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ के बच्चों को इतनी अच्छी और इतनी डिजिटल लाइब्रेरी उन लोगों को मिल रही है। और शिखर और प्लाज्मा का तो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, और पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी को इस मुकाम तक लाने में। तो नहीं, बिल्कुल सही बोला, यकीन कीजिए हम लोगों ने उस दौर भी देखा है जब लोग अपोजिशन करते थे इस लाइब्रेरी को लेकर, मगर उन सभी लोगों के जवाब ये बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। मैं उनसे यही कहूँगा ये हमारे जवाब है, हमने आंसर्स उनको नहीं दिए थे, हमने इन बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुँचा कर उनको जवाब दिया। मजबिन हमारे साथ हैं, मजबिन भी लंबे समय से पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी से जुड़ी रहीं, इन्होंने ग्रेजुएशन की तैयारी की, बी एड अभी कर रही हैं नर्सरी, आज परिवर्तन देखने को मिला, खुशी बहुत हो रही होगी कि आने वाले जो बच्चे हैं उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स का होना, ईमानदारी से काम करना, कहीं कहीं लोगों को फ़ायदा। सर बहुत फ़ायदेमंद है ये लाइब्रेरी हम जैसे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी एक ऐसे जगह से थी जहाँ मैं अफोर्ड नहीं कर पाती, शायद मैं पढ़ भी नहीं पाती, लेकिन सर की वजह से आज मैंने मास मीडिया करा जामिया से, उसके बाद मैं बीएड भी जामिया से कर रही हूँ सिर्फ इस लाइब्रेरी की वजह से। हमारे साथ आमिर भी हैं, आमिर भी बहुत इमोशनली मुझसे अटैच रहे हैं। आमिर वाकई इन्होंने एक बार कहा था एक प्रोग्राम में कि शायद ये लाइब्रेरी एक योगदान हमारे लिए, हम इतना पैसा पे नहीं कर सके। मुझे उस दिन से ये बच्चा बड़ा खटका और वाकई इसने कंपटीशन को निकाला। और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमें और समाज को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम एजुकेशन पर ज़्यादा काम कर सकें, बेहतर काम करते हैं। आमिर एक साल पहले आप आए और आज लाइब्रेरी, उतनी फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा फायदा, आने वाले बच्चों को फ़ायदा होगा क्योंकि आप एक मोटिवेशन है लोगों के लिए। अब यहाँ से आपने पढ़ाई की तैयारी की, आज के दिन अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस वक्त मैं पढ़ा था उस वक्त ये सब नहीं था, लेकिन अभी जो बच्चे आएंगे उनके लिए ये मतलब एक बोनस होगा उनको पढ़ने के लिए, कि वो डिजिटल, जिनके पास फ़ोन नहीं होगा वो भी यहाँ आके मतलब पढ़ सकते हैं। और फिर जिनका मतलब सपना, ड्रीम है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना, मैंने तो पहले भी कहा है कि मैंने, आपने और प्लाज्मा और PPL ने मेरी मतलब बहुत हेल्प की है वहाँ तक जाने में, अगर आप लोग नहीं रहते तो शायद ही मैं वहाँ होता।
और मुझे गाइडलाइंस भी आपने दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल सही कहा, पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का। हमारे साथ अंजार भी होंगे, अंजार भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी को शुरू से मदद भी कर रहे हैं, क्लासेस भी लेते हैं, मास मीडिया के जर्नलिस्ट भी हैं। अंजार, आज के दिन पे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज एक ऐसी लाइब्रेरी में खड़ा हूँ जहाँ पहले जब मैं आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक वाइट सा बोर्ड था और कुछ टूटे फूटे चेयर थे, पता नहीं उस टूटे थे या सही थे। लेकिन आज इस डिजिटल लाइब्रेरी को देखकर खुशी भी हो रही है और खुशी इस बात की है कि जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य बेहतर होगा, उन्हें डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। हमारी शुभकामनाएँ होगी उन सारे बच्चों को, धन्यवाद। बेटा, आप हमारा एक बच्चा बहुत दूर से आया, वो भी मास मीडिया जामिया से, अगर आप भी कुछ कहना चाहें आज के मौके पर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सेकंड बैच का स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ से, और मैं जब यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो चुकी है। उस टाइम पे यहाँ पे एक दीवार हुआ करती थी सर, और इसके पीछे एक नदीम सर थे और एक हिना मैम थी, वो बैठा करती थी गर्मी में। तो जब नदीम सर एंट्री करते थे रूम में तो ऐसे पसीना करके करते, तो उनकी वो चीज़ मुझे आज तक याद है कि वो खुद गर्मी में बैठ के जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनते थे, और हम जैसे स्टूडेंट के लिए उन्होंने एसी लगवाए थे और सिर्फ एक ही एसी थी, तो वो कहते थे कि बच्चों को किस तरीके से आप अच्छे से जैसे कम्फर्ट होकर पढ़ सको। और मैं इसमें ना रिजवान सर का भी बहुत ज़्यादा मतलब शुक्रगुजार हूँ। उसका रीज़न ये रहा कि जब एक कंपटीशन ये चल रहा था उस टाइम पे कि आपको कोचिंग के लिए 10,000 रुपये 15,000 रुपये इस तरीके से यहाँ पे फीस होती थी, लेकिन रिजवान सर ये करता था कि जो उन्हें लगता था बच्चे के बहुत सीरियस है पढ़ने के लिए, तो वो अपनी प्राइवेट कोचिंग में प्लाज्मा लगाए हमारे लिए नोट्स लाते थे, और ये कहते थे कि यार सिर्फ स्टूडेंट हम ही नहीं, सर ने भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया। और जिसका रीज़न ये रहा कि बहुत ज़्यादा मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा और मुझे लगता नहीं था मैं जामिया में जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ लूँगा, बट देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत और आप सबका भरोसे से अल्हम्दुलिल्लाह जामिया से पास आउट हो गए सर। कहीं ना कहीं हमने कोशिश, कई बच्चे क्वालिफाई किए हैं, मगर ये हमारे 12 बच्चे हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ दी उनको यहाँ पर बैठने की, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एक बच्ची है, बड़ी मुश्किल होता होगा आपको यहाँ पर आने में, पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में, पुलिस थाने के अंदर कुछ ओपिनियंस अगर आप शेयर करना चाहें। जब हम पहले आए थे तो पता नहीं था कि थाने में आए, थाने में क्या क्लासेस होती हैं कि नहीं होती हैं, लेकिन फिर जब हम यहाँ पर आए तो देखा कितनी अच्छी क्लासेस होती हैं और सर नोट्स प्रोवाइड करते हैं और सब कुछ यहाँ पर होता है, और हम पढ़ के आज क्वालिफाई करें तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बहुत दिक्कत होती थी आने में कि हाँ पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी है, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। हम लाइब्रेरी के सेकंड पार्ट में भी आएंगे और हम आपको दिखाएंगे किस तरह से सारी चीज़ें आप आइए, और ये लाइब्रेरी हमारे लिए बहुत इमोशनल टच रखती है। मैं चाहूँगा जिस तरफ कंप्यूटर्स बैठने लगाया गया है सारी की सारी चीज़ें, और शिखर को जो सम्मान दिया गया है वो सम्मान कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरह से दिखाया गया है। यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपको मैं चाहूँगा कैमरे पर्सन को किस सारी चीज़ें दे, मेरे फादर्स का भी अवॉर्ड है, फोटोग्राफ्स है, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी से और इमोशनली मैं अटैच भी हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें जो ओखला में पॉजिटिवनेस ला रही हैं आपको पता चल सके, इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी ओखला वालों के लिए बनाई गई है पुलिस के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, हमारी मेहनत, बच्चों की मेहनत ने पॉजिटिवनेस एक बड़ा परिवर्तन लाया। मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन को, कि रिहान खान साहब हैं, नदीम साहब हैं, शिखर के आदित्य सर हैं, जिन लोगों ने बहुत मेहनत की इस लाइब्रेरी को लेकर, और आज इस मुकाम पर बहुत खुशी का दिन है। जितने भी लोग इस पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी से अटैच है आज उनके लिए बड़ा दिन है, और अभी हमारे बच्चों के साथ बातचीत होगी तो हम लोग उस चीज़ पर भी सारी चीज़ें दिखा सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।